सो बहुत ही यम्मी सी डिश जो है वो तैयार, देखते हैं क्या बना और कैसा बना पहली बार। सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो बड़ी अमेजिंग सी होने वाली है। हम बनाने वाले हैं आज कुछ मज़ेदार। आज की वीडियो बड़ी अमेजिंग सी होने वाली है, बड़ी ज़बरदस्त सी होने वाली है, तो आपने पूरी देखनी है। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो अब जो है वीडियो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आती रहें, बहुत ज़्यादा आती रहें। ओके क्या कर रही हो? ये चिप्स बना रही हूँ, वो भी मैकडॉनल्ड्स जैसे। KFC जैसे कैसे हो सकते हैं? ये देखो बेटा, ये KFC जैसे नहीं हो सकते क्योंकि ये तुम बना रही हो, इसलिए। ऐसी कोई बात नहीं गाइस, देखिएगा ये इतना अच्छा तरीका आपको मैं सिखा रही हूँ आज। आप लोग ना घर नहीं, क्या नहीं, मुझे इनमें कुछ स्पेशल नजर नहीं आ रहा है, आपको नजर आ रहा है? पूरा खा भी लेंगी और ये बस बातें भी बोलती रहती हूँ। ये काटा है इसने, इतने अच्छे तो काट रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल इनमें कोई स्पेशलिटी नजर नहीं आ रही। इनको कभी नजर नहीं आई गाइस, मैं जल्दी से काट लेंगे उसके बाद बताती हूँ फिर क्या करना है इसका। एक्चुअल में ऐसी होनी चाहिए शेप चिप्स की जो मैं कर रही हूँ, शेप ये शेप ऐसी शेप होनी चाहिए ताकि वो अच्छा लगे। वो तो मैं गाइस को दिखाई रही हूँ कितने अच्छे काटे। सो गाइस मैं नमाज पढ़ के किचन में आ गई हूँ और किचन में आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ चिप्स पूरे तैयार है। अब इसे ज़रा हम कर लेते हैं, थोड़ा धो लेते हैं, ठीक है। इनको धोना ज़रूरी होता है तो धोना आपने मस्ट है, ठीक है। अच्छे से इसे धोएंगे और इसको थोड़ा सा पानी से खंगाल लेते हैं हमेशा, ठीक है। आज मैं बहुत ज़बरदस्त चिप्स बनाने जा रही हूँ, आज वैसे वाले नॉर्मल चिप्स बनाने वाले बहुत मज़ेदार होने वाले। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। आज तो इस तरीके से धो लेंगे ताकि इसमें से जो ये सॉल्ट पानी है ना तो ये निकल जाएगा ताकि ये क्रिस्पी बने। ओके तो मैंने इनको और अच्छे से क्रिस्पी करने के लिए, जो फ्राई करने के लिए डाल दिया है फ्राई पैन में, ताकि इनमें ज़रा अच्छा सा जो है क्रिस्पी पना आए और अच्छी चीज़, भाई अच्छे चीज़ वाले फ्राइज़ बने ना। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम अच्छे से इन्हें फ्राई कर लें। और फ्राई करने के बाद आप देख सकते हो मैंने इसके अंदर चीज़ भी डाल दिया और चीज़ अब मेल्ट हो रही है। उसके बाद देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है, कैसे बनते हैं। तो आपने लाइक शेयर कमेंट कर देना है। होप यू गाइस कि आपको अच्छी लग रही हो। तो ये रेडी हो चुकी है, लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या बना और कैसा बना। पहली बार ट्राई किया, मुझे लग रहा है अच्छा ही बना है, मेल्ट हो चुका है। तो अब इसके अंदर जो और एक्स्ट्रा चीज़ें डलेंगी वो भी डालते हैं, मायोनीज, केचप, ठीक है, ये सब कुछ डालते हैं और फिर इसके बाद इसे सर्व करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट भी ज़रा पता करते हैं कि बना कैसे है। चलो पहले सॉसेज डाल लेते हैं और देख सकते हो फाइनली मेरी डिश बहुत अच्छी से तैयार हो गई है। तो ज़रा इसे चखते हैं, ठीक है, और पता करते हैं कि आखिर इसका टेस्ट बना क्या। तो हम ले लेते हैं अपना चमचा स्पून, ओके काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही शूट कर लेते हैं। तो होप यू गाइस कि आप कुछ करो इस तरह की, आप बनाओ घर में, बहुत टेस्टी रहेंगे, बहुत आसान रेसिपी है। तो ये काफ़ी मज़े के बने और आप ये घर में ट्राई कर सकते हो, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। अच्छी मेरी खुद की रेसिपी है, वैसे मैंने दिमाग से बनाई है, देखी नहीं थी रेसिपी ऐसी, बट कभी ट्राई नहीं किया था, अब ट्राई किया है, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े का। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। सो लाइक शेयर कमेंट कर देना, बहुत अच्छी रेसिपी थी। और अगर आपको चाहिए तो अपना लाइक शेयर कमेंट करना। सो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, और आप खा लेते हैं जल्दी से जाके। अल्लाह हाफिज़। लास्ट में मैंने सोचा क्यों ना इसका थोड़ा सा दिया जाए आपको शॉर्ट अच्छा सा। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो तो अपने लाइक शेयर कमेंट करना है। अल्लाह हाफिज़।